एक तो अगर आप इंडिया में हो एंड यू वॉन्ट टू परस्यू नर्सिंग तो पहली चीज तो ये है मैंने ये हमेशा कहा है कि ऑलवेज योर होम कंट्री टू ऑस्ट्रेलिया ऑलवेज चूज अ कोर्स दैट इज रेलिवेंट टू योर प्रीवियस स्टडीज तो अगर आप नर्सिंग लेना चाह रहे हो तो मेरी एडवाइस यही रहेगी रहे कि अगर आप इंडिया से ही नर्सिंग लेके आना चाह रहे हो तो मेक श्योर डिकल बैकग्राउंड यानी कि आपने ट्वेल्थ में पी सी बी ले रखी हो मतलब मेडिकल uh, बैकग्राउंड से आप बिलोंग करते हो और आपके आयल्स अगर आप आयल्स दे रहे हो तो आपके सेवन ईच हों गाइज ओवरऑल सेवन नहीं सेवन ईच इन एवरी मॉड्यूल या फिर अगर आप पी टीई दे रहे हो तो आपके सिक्सटी फाइव हो हर एक मॉड्यूल में और ओवरऑल भी समझ रहे हो मतलब ये मिनिमम स्कोर है जो मैं बता रही हूँ जो कि होना ही होना चाहिए टू टेक एडमिशन इन बैचलर्स ऑफ नर्सिंग गाइस अगर एम कर रहे हो नर्सिंग के लिए तो तो अपनी जो प्रिपरेशन है वो शुरू से ही शुरू करो ठीक है क्योंकि अगर आप मेहनत करते हो अपने पीटी पे आईएलएस पे ठीक है और अगर आपके वहीं से 7 इंच आ जाते हैं तो गाइस लेट मी टेल यू यू हैव द ब्राइटेस्ट फ्यूचर इन नर्सिंग क्योंकि नर्सिंग एक ऐसा कोर्स है जिसमें आपको हर चीज मिल रही है अब हर चीज से मेरा मतलब ये है कि यू आर गेटिंग द बेस्ट करियर इन योर लाइफ अ हेड सेकेंड यू विल बी गेटिंग द बेस्ट पे रेट आपको बहुत ही अच्छा पे रेट मिलेगा नर्स एक ऐसा प्रोफेशन है जो हाइएस्ट पेड प्रोफेशंस uh, में से एक है यहाँ पर तो अगर मैं इन एन एवरेज भी बताऊँ आपको इन एन एवरेज तो आपका जो पेरेट जाता है वो थर्टी सेवन डॉलर से फोर्टी डॉलर तक जाता है इन एन एवरेज तो गाइज ओरिजिनली काफी उससे ज्यादा होता है ठीक है और तीसरी चीज है पी आर तो गाइज ये कोर्स ऐसा है जिसमें आपका करियर आपका जो पेरेट और आपका जो पी आर है वो तीनों एकदम टॉप लेवल पे है और इसलिए नर्सिंग कम्स इन वन ऑफ द बेस्ट कोर्सेज फॉर पी आर एंड फॉर अ ब्राइट करियर विद अ ग्रेट ग्रेट पेरिट ठीक है प्रोसीजर कुछ ऐसा रहेगा कि आप अपने कंट्री से अपनी पीसी कंप्लीट करोगे ट्वेल्थ में फिर आप अपना पीटीई दोगे अगर आपके 65 आ गए सारे मॉड्यूल्स में पीटीई में या फिर अगर आप आइल्स में ऑल सेवन ले लेते हो तो देन यू विल अप्लाई इन यूनिवर्सिटीज फॉर बैचलर ऑफ नर्सिंग गाइस बैचलर ऑफ नर्सिंग कॉलेजेस में नहीं मिलती बैचलर ऑफ नर्सिंग आपको सिर्फ यूनिवर्सिटीज में मिलती है और वो भी कुछ यूनिवर्सिटीज में मिलती है सब यूनिवर्सिटीज को बैचलर ऑफ नर्सिंग करवाने का वो नहीं मिला हुआ जो भी बोलते हैं उसको मतलब हर एक यूनिवर्सिटी में ये कोर्स नहीं मिल सकता ठीक है अब गाइज वो कोर्स ऐसा है जिसके फायदे ही फायदे हैं तो उनकी रिक्वायरमेंट भी उतनी ही ज्यादा है उस कोर्स के लिए ठीक है और अगर आप बैचलर ऑफ नर्सिंग करते हो तो उसके फीस भी ज्यादा है गायज अब मैं आपको बता देती हूँ अगर आप ऑस्ट्रेलिया में हो देर आर टू टाइप ऑफ नर्सेज फर्स्ट वन इज एनरोल्ड नर्स और सेकेंड वन इज रजिस्टर्ड नर्स तो अगर आपने डिप्लोमा ऑफ नर्सिंग किया है तो आप एक एनरोल्ड नर्स बनते हो डिप्लोमा ऑफ नर्सिंग का ड्यूरेशन गाइज 1.5 पॉइंट ईयर से लेके टू इयर्स तक होता है और उसकी फीस इट्स मोर लाइक 15,000 17,000 फॉर एन ईयर तो वो मतलब कंपैरेटिवली सस्ता होता है बीइंग अ डिप्लोमा ऑब्वियसली और उसमें आप रजिस्टर्ड नर्स नहीं बनते उससे आप एक एनरोल्ड नर्स बनते हो वेर एज अगर मैं बात करूं बैचलर ऑफ नर्सिंग की तो गाइज बैचलर ऑफ नर्सिंग की फीस काफी ज्यादा होती है यानी कि आपका लगा के चलो एक साल की फीस तीन साल का कोर्स है ऑब्वियसली क्योंकि वो बैचलर्स है तो वो तीन साल की होगी एक ईयर की फीस गाइज थर्टी थाउजेंड डॉलर थर्टी वन थाउजेंड डॉलर फॉर श्योर होती ही होती है तो थोड़ा सा महंगा हो गया ये मतलब 000, 000 तक आपका पूरा कोर्स पड़ जाता है। लेकिन गाइस अब अगर मैं बात करूं बैचलर ऑफ नर्सिंग की सो गाइस मान लो अब आप अपने बैचलर ऑफ नर्सिंग के फर्स्ट सेमेस्टर में हो तो गाइस यहाँ पे क्या होता है हर एक सेमेस्टर में आपको फोर सब्जेक्ट लेने होते हैं और नर्सिंग में एक सब्जेक्ट में आपको तीन से चार असाइनमेंट्स मैक्सिमम करने होते हैं कुछ ग्रुप असाइनमेंट्स होते हैं कुछ इंडिविजुअल असाइनमेंट्स होते हैं ठीक है और एग्जाम्स uh, भी होते हैं अब मैं आपको एक चीज बता दूं यहाँ की कि यहाँ पे ये मैटर बिल्कुल नहीं करता कि आपने टॉप यूनिवर्सिटी से नर्सिंग करी थोड़ी लेवल टू वाली यूनिवर्सिटी से नर्सिंग करी है, थो, है। यहाँ पे इस हिसाब से कभी भी आ, आप के इंटेलिजेंस को जज नहीं किया जाता अगर आप के पास एक डिग्री है तो अब जैसे आप अपने फर्स्ट सेम में हो आपने अपने असाइनमेंट्स कंप्लीट किए अपने ग्रुप असाइनमेंट्स कंप्लीट किए आप अपने एग्जाम्स में पास हुए देन दैट्स इट बस वही है जो मैटर करता है यहाँ पे ऐसा नहीं है कि यार अगर उसने टॉप किया है तो उसको बड़े हॉस्पिटल में जॉब मिलेगी या फिर उसे बहुत अच्छे एज केयर में जॉब मिल जाएगी जहाँ पे बहुत अच्छा पे रेट होगा ऐसा कोई भी सिस्टम नहीं होता यहाँ पे ठीक है उसके बाद गाइस जब आप अपने सेकंड सेमेस्टर में आते हो नर्सिंग के तो तब आपके प्लेसमेंट शुरू होते हैं गाइज तो ये लगा लो कि आप अपने फर्स्ट ईयर के सेकंड सेम में और आप तभी से जॉब कर सकते हो एज अ अ नर्स नर्स व्हेन आई एम सेइंग एज गाइस तब आप एज अ रजिस्टर्ड नर्स काम नहीं कर सकते यू वुड बी वर्किंग एज एन असिस्टेंट नर्स फॉर एग्जांपल आप किसी एज केयर में आप आपकी प्लेसमेंट हो जाती है तो आप जो उस एज केयर में नर्स होगी आप उसके असिस्टेंट होंगे एंड बींग स्टूडेंट आप आपको बहुत लिमिटेड काम दिया जाएगा यानी कि आप ये नहीं है कि जो नर्स काम कर रही है वो पूरी जिम्मेवारी आपको दी जाएगी क्योंकि आप उस टाइम सीख रहे हो यू जस्ट हैव टू ऑब्जर्व व्हाट शी इज डूइंग और आपको एक तरीके से गाइस गाइड प्रिपेयर यू टू बिकम अ नर्स ठीक है वहां पे आपकी तैयारी हो रही है कि हां जी जब आप तीन साल बाद जब आपकी डिग्री पूरी हो जाएगी एंड देन व्हेन यू वुड बी अ रजिस्टर्ड नर्स तब आप कैसे रहोगे आप कैसे हैंडल करोगे ठीक है तो उस टाइम आप सीखते हो बट जो पेरेट मिलता है गाइस वो पेरेट इतना अमेजिंग होता है मतलब आप ये समझो कि आप पढ़ रहे हो और आप सेम प्रोफेशन में जॉब कर रहे हो ठीक है और आपका पेरेट बहुत अमेजिंग होता है और गाइस शिफ्ट्स भी बहुत ज्यादा होती है मतलब आप अगर नर्स ना तो आपके ऊपर आपने क्या क्या कितनी शिफ्ट लेनी है मतलब क्योंकि डिमांड बहुत ज्यादा गाइस और कोविड की वजह से डिमांड और बढ़ गई है तो नर्सिस की इतनी डिमांड है आपको एक रोस्टर दिया जाता है उस रोस्टर के हिसाब से आपने अपनी जॉब्स करने होते हैं अगर आप उनसे ज्यादा मांगोगे तो आपको ज्यादा भी मिल जाएगी और गाइज पब्लिक हॉलीडेज पे भी आप जॉब कर सकते हो संडेज एंड सैटरडेज को भी आप जॉब करते हो और गाइज सैटरडे और संडे को डबल द पेमेंट मिलती है फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी मैं जस्ट एग्जाम्पल बता रही हूँ अगर आप थर्टी डॉलर कमा रहे हो ऑन uh, वीकडे एक घंटे के तो आपको संडे को सिक्सटी डॉलर मिलेंगे एक घंटे के तो वो डबल पे रेट हो जाता है और पब्लिक हॉलीडेज में तो और भी ज्यादा uh, मतलब पे रेट होता है घंटे के हिसाब से आप पढ़ते पढ़ते ही अपना सेम प्रोफेशन का एक्सपीरियंस लेते हो प्लस आपको इतना अच्छा पे रेट मिलता है और गाइस उस पे रेट से आप अपने आगे आने वाली फीस तक जोड़ सकते हो वो उतना अच्छा पे रेट होता है सो गाइस दिस इज लाइक अ विन-विन सिचुएशन काफी बढ़िया कोर्स है ये मतलब काफी बढ़िया लाइन है अगर आप मान लो आप मेडिकल बैकग्राउंड के नहीं हो तो गाइस डोंट लूज होप क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में कोई भी बैचलर्स करने के लिए आपका बैकग्राउंड चेक नहीं होता मैं मेडिकल बैकग्राउंड के होने की बात सिर्फ तब कर रही जब आप अपने होम कंट्री में बैठे बैठे, बैठे अप्लाई कर रहे हो। अगर आप अपना बिल्कुल मतलब आप थे पीसीएम के और आप इंडिया में बैठे बैठे ही नर्सिंग के लिए अप्लाई कर रहे हो सो so गाइज उसमें ना आपका एजेंट बिल्कुल बेस्ट होना चाहिए जो एसओपी ऐसे लिख के दे मतलब जो ये साबित कर सके कि मैं ये बच्चा था नॉन मेडिकल का लेकिन फिर भी ये मेडिकल में मूव हुआ लेकिन उसका एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग पॉइंट दे सके कि एम्बेसी उसका वीजा रिजेक्ट कर ही ना सके तो गई उस चीज का रिस्क कभी मत लेना ठीक है तो मैं यही बोलूंगी कि अगर आपका नर्सिंग में फिर भी इंटरेस्ट है कोई बात नहीं आप अपना बैंड स्कोर अच्छा कर लो एटलीस्ट अपने होम कंट्री से और वहां से आप अपना रेलिवेंट कोर्स लेके आ जाओ यानी कि अगर आप नॉन मेडिकल के हो तो कोई नॉन मेडिकल का कोर्स ही लेके आ जाओ और यहाँ पे आके आप आसानी से गाइस बहुत बहुत आसानी से अपनी बैकग्राउंड या फिर आप बैचलर ऑफ नर्सिंग में चेंज कर सकते हो अपना कोर्स और उसमें कोई भी बड़ी बात नहीं है और बैचलर टू बैचलर तो ऑब्वियसली कोई वीजा भी अप्लाई नहीं करना कुछ नहीं करना वो आसानी से चेंज हो जाएगा नर्सिंग में गाइस जैसे बैचलर ऑफ नर्सिंग की देखो फीस ज्यादा है ड्यूरेशन ज्यादा है उसी हिसाब से आप एक रजिस्टर्ड नर्स बनके निकलते हो लेकिन डिप्लोमा ऑफ नर्सिंग में आप एक रजिस्टर्ड नर्स नहीं बनते और उसी हिसाब से फिर वो पीआर के चांसेस भी वैसे ही होते हैं उसमें मतलब उतने खास कुछ होते नहीं है तो ऐसा भी होता है कि जब आप यहाँ पे आके डिप्लोमा ऑफ नर्सिंग कर लेते हो उसके बाद फिर आप बैचलर ऑफ नर्सिंग करते हो लेकिन फिर आपको तीन साल की बैचलर्स नहीं करनी फिर आप वो आ, अगर आपने डेढ़ साल का दो साल का डिप्लोमा किया तो मेरे ख्याल में आपने फिर दो साल की ही वो बैचलर्स करनी होती है एंड वो सब तो गाइज मैं बता रही थी कि आपकी प्लेसमेंट्स कैसे लगती है तो अब जैसे आपकी फर्स्ट ईयर के सेकेंड सेम में प्लेसमेंट लगी फिर आप सेकेंड ईयर में आओगे तब भी आपकी प्लेसमेंट्स लगेंगी और फिर आप अपने लास्ट ईयर में आओगे तब भी आपकी प्लेसमेंट्स लगेंगी ठीक है तो काफी अच्छे लगाइज बहुत ही रिस्पेक्टेड आ, और बहुत ही अच्छा कोर्स है बहुत डिमांड में और गाइस लॉन्ग टर्म डिमांड में रहेगा क्योंकि नर्सेस की शॉर्टेज हमेशा ही रहेगी और इनकी डिमांड भी हमेशा ही रहेगी भी हमेशा ही अच्छे रहेंगे और पीआर भी हमेशा ही अच्छी मिलती रहेगी मतलब रीजनल में थोड़ा ज्यादा है आई डेफिनेटली अग्री विद द पॉइंट बट ऐसा नहीं है अगर आप यहाँ पे भी आए आयो Melbourne, Sydney भी आए हो तो आपको जॉब नहीं मिलेगी क्योंकि गाइस एज केयर में ये इन सब जगहों पे आपको मतलब आपको फर्स्ट ईयर में ही अगर आप बैचलर ऑफ नर्सिंग में एडमिशन ले रहे हो मान लो और अगर आप किसी एज केयर को अप्रोच करोगे देन दे विल डेफिनेटली टेक यू गाइस मतलब फर्स्ट ईयर में भी आपको एक एज केयर में एज एज एन असिस्टेंट नर्स यू नो आपको काम मिल जाएगा फॉर फॉर श्योर हाँ ये भी बता दूं जैसे अब मान लो तीन साल का आपको आ, uh, तीन साल की आपकी बैचलर्स कंप्लीट होगी फिर आप अपनी टीआर अप्लाई कर देते हो टीआर अप्लाई होने के बाद ही फिर आप अपनी पीआर अप्लाई कर देते हो और गाइज 90 टू 95 परसेंट चांसेस है कि आपकी पीआर फटाफट हो भी जाती है क्योंकि नर्सिंग में ज्यादा पॉइंट्स नहीं चाहिए होते पीआर के लिए और काफी आसानी से आपकी पीआर हो जाती है अगेन इस चीज की कंसल्टेशन आप अपने एजेंट से ले सकते हो क्योंकि मैं कोई एजेंट नहीं हूँ बस थोड़ी बहुत जो इन्फॉर्मेशन मिलती है या जो स्टूडेंट से जानने को मिलता है वो मैं बता देती हूँ तो गाइज यही सब था इसके बारे में तो शुरू में तो मैं यही एडवाइस करूंगी कि अगर इस साइड इंटरेस्ट है और यू नो आपको हो यार मैं भी नर्सिंग कर सकती हूँ या कर सकता हूं तो मेक श्योर फर्स्ट थिंग इज दैट यू नीड टू वर्क ऑन योर इंग्लिश टेस्ट लेट इट बी आय पीटी और टोफिल उसका जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो पूरा करो you know, तो कर ही नहीं सकते तो पहले उसके लिए एम करो उसके बाद आप नर्सिंग के लिए एम कर सकते हो फीस का गाइज मैं मानती हूँ बहुत ज्यादा है पर गाइज जिस हिसाब से उसकी फीस ज्यादा है उस हिसाब से उसके फायदे भी ज्यादा है और जब आपको ये पता होना की यार इस चीज में अगर मैं पैसे लगा रहा हूँ तो हाँ भाई ये इसके दुगने तिगने मुझे वापस मिलेंगे और हाँ, इसका कुछ नतीजा निकलेगा तो वो पैसा लगाना चुभता नहीं है वो पैसा लगाना क्या बोलते हैं उसको वो पैसा लगाना वो होता है वो पैसा लगाना फ्रूटफुल होता है मेरे को हिंदी याद नहीं आ रहा तो वो पैसा लगाना कभी नहीं चुभेगा वो हमेशा आपके फायदे में रहेगा बस मैं यही कहूंगी ठीक है सो आई थिंक इट ऑल मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना वीडियो को लाइक करो शेयर करो और सब्सक्राइब कर दो गाइस चैनल को क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो मैं देख रही हूँ ठीक है तो सब्सक्राइब कर दो जो जो भी चैनल को देख रहे हैं और मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर